हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो है बाइक टिप्स के बारे में कि आप अपनी जो बाइक है उसको कैसे मेंटेन रख सकते हो, ख्याल रख सकते हो उसके बारे में। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा है, जो 6 पॉइंट है उसके बारे में मैं बताऊंगा कि आप अपनी बाइक को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो पहले जो होता है, बाइक को हमेशा कवर करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप बाइक को खुले रखोगे तो धूप में या फिर धूल से बाइक बहुत ज़्यादा गंदा भी होएगा और उसके साथ आपकी बाइक की जो कलर है वो भी फेड हो जाएगा। तो कवर हमेशा रखना चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो अभी आप बाइक को बहुत ज़्यादा चला के फिर आ रहे हो और बाइक का जब इंजन पूरा हीट रहेगा तो उस समय बाइक को आप कवर ना करें। बाइक की इंजन बहुत ज़्यादा अपना हीट के कारण आपकी जो कवर है उस पे भी आग लग जाए, और अगर आग लगता है तो फिर ये फ्यूल टैंक जो है पेट्रोल आग पकड़ लेगा और आपकी जो पूरी बाइक है वो जल सकता है। तो दोस्तों, दूसरी नंबर पे यहाँ पे आता है चाबी। तो अब जब भी बाइक की जो चाबी है उसके जो रिंग है वो हमेशा रबर का हो या फिर कपड़े का हो, किसी सॉफ्ट चीज़ का होना चाहिए। अगर ये मेटल का होता है, बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं कि यहाँ पे मेटल का कुछ लगा लेता है, तो चाबी का जो रिंग है वो हमेशा सॉफ्ट रखिए। अगर मेटल का अगर आप रखते हो तो क्या होगा, अब बाइक को जब चाबी लगाते हो तो उसके आसपास जो हैंडल का एरिया होता है वो बहुत तरीके से खरोच जाता है और उसके ऊपर बहुत सारे स्क्रैचेस भी आता है दोस्तों। तो ये एक टिप्स है आपकी बाइक की जो हैंडल है वो अच्छा दिखने के लिए। तीसरे नंबर पर यहाँ पे आता है दोस्तों, ये जो टैंकी है, तो इस टैंकी के ऊपर हमेशा आपको जो है टैंक पैड हो, तो टैंक पैड से पूरी जो टैंकी का ये जो ऊपर का पोर्शन है वो ढकता नहीं, तो उसकी वजह से आपको अगर आप विनील से या फिर रैपिंग पेपर से अगर रैप करते हो तो ये पूरा ढक जाता है। इसकी वजह से आपका जो टैंक है वो ज़्यादा घिसेगा नहीं और आपका जो टैंक का शाइन है वो भी अच्छा रहेगा और आपके दिल को भी अच्छा लगेगा। तो टैंक पैड या फिर जो विनील रैप है उससे आप अगर रैप करते हो तो टैंक हमेशा अच्छा रहेगा दोस्तों। और फोर्थ नंबर पर यहाँ पे आता है दोस्तों क्लच। तो ये तो ब्रेक है, तो सेम उसी तरफ क्लच है। तो क्लच पे आपको जो क्लच का जो लीवर है वो बिल्कुल टाइट ना हो, थोड़ा सा उसमें जो है फ्री मूवमेंट होना चाहिए। इसकी वजह से आपका जो क्लच है वो क्लच हमेशा अच्छा रहेगा, आपका क्लच बहुत दिनों तक टिकेगा, वो बहुत जल्दी ख़राब या फिर बर्न नहीं होगा। तो क्लच का जो लीवर है वो थोड़ा सा ढीला रखिए, उस हॉट रास्ते पे चलने की वजह से बहुत ज़्यादा आपके जो टायर है वो घिस जाता है, इसलिए आपकी जो टायर की लॉन्गजिविटी है वो बहुत कम हो जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप हो सके तो दोपहर का जो समय है वो राइडिंग के लिए अवॉइड करें, और बहुत ही ज़्यादा अगर ज़रूरत है तो फिर तो जाना ही पड़ेगा। तो यही बात है दोस्तों। और दोस्तों, सिक्स नंबर पे यहाँ पे बात आता है कि बारिश के मौसम में क्या होता है कि टायर का जो ग्रिप है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो रोड है वो बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है, इसीलिए हम जब चलते हैं तो फिर बाइक का जो ग्रिप रोड के ऊपर ज़्यादा नहीं बनता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि थोड़े से हमारी बाइक की स्पीड के कारण या फिर ब्रेक के कारण बाइक जो है स्कीड कर जाता है, क्योंकि पानी से वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है रोड। तो इस समय आपको जो बाइक की जो टायर प्रेशर है, एयर प्रेशर, उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं अगर आप, तो फिर बाइक की जो ग्रिप है वो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा आपके रोड कांटेक्ट के साथ, तो उसके कारण आपकी जो फ्रिक्शन है वो बढ़ जाएगा। और फ्रिक्शन जब बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा कि आपकी जो ट्रैक्शन कहिए या फिर जो ग्रिप है वो बाइक की रोड के ऊपर ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो एयर प्रेशर का हमेशा ध्यान रखिए। तो दोस्तों, यही था कुछ बाइक के बारे में टिप्स कि इससे आप बाइक को हमेशा अच्छा रख सकते हो। तो फिर मिलते हैं नए किसी वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। आप लोग आपका ख्याल रखिए, स्टे सेफ, स्टे होम।